हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग चल रहा है, जिसमें हम पहले महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके तीसरे महत्वपूर्ण अंग इकोसोक या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर विचार करेंगे। इकोसोक की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। मेंबर्स 54 हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। जैसे कि हमें पता ही है कि जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो महासभा ही करती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, तो ऐसे ही इकोसोक के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा करती है। यह एक स्थायी संस्था है और इसके एक तिहाई सदस्य हर वर्ष पदमुक्त कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। यानी एक सदस्य का कार्यकाल कितना हुआ? 3 वर्ष। इकोसोक के एक सदस्य कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। और एक तिहाई सदस्य हर वर्ष पदमुक्त होकर नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का सबसे बड़ा निकाय यानी ऑर्गन है। निर्णय प्रक्रिया, इकोसोक में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत यहाँ चलता है, यानी एक सदस्य केवल एक ही वोट दे सकता है। अधिवेशन और मीटिंग, इकोसोक का अधिवेशन साल में एक बार होता है जो कि 5 हफ्ते तक चलता है। इकोसोक मुख्य तौर पर, जैसे इसके नाम से जाहिर है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये मुख्य तौर पर मानव अधिकारों से संबंधित है। राजनीतिक मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जो मामले हैं उन पर ये विकास कार्य करने का काम करती है। WHO इसकी प्रमुख सहायक एजेंसी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य की देखरेख करती है पूरे विश्व में, यह इकोसोक की एक महत्वपूर्ण सहायक एजेंसी है। इसका मानना है, इकोसोक का मानना है, इसका विश्वास है कि विश्व में शांति केवल राजनीतिक विवादों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि जरूरी है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को भी सुलझाया जाए। यानी ये समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी उतनी ही बड़ी विश्व शांति के लिए खतरा है जितना कोई राजनीतिक विवाद या कोई प्रत्यक्ष लड़ाई। ठीक है, तो इसलिए इकोसोक का जोर मुख्य तौर पर विश्व में सभी देशों के हर दुर्बलतम से दुर्बलतम नागरिक का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास करना है, उनको आगे ले जाना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है। क्योंकि अगर लोगों के बीच कोई आर्थिक या सामाजिक समस्या नहीं होगी तो उनके बीच में कोई असंतुष्टि या लड़ाई का कारण भी नहीं बचेगा। इकोसोक गरीबों, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करके विश्व में शांति बनाए रखने का अपने तरीके से कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जिस तरह महासभा सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण अंग है विश्व में शांति बनाए रखने का, उसी तरीके से इकोसोक अपने तरीके से विश्व में शांति बनाए रखने में योगदान देती है। ये मानव अधिकारों की रक्षा करके विश्व में संतुष्टि प्रदान करती है लोगों के बीच और शांति लाने का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला महत्वपूर्ण अंग आता है न्यास परिषद, जिसे हम ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि उन सभी उपनिवेशवादी और साम्राज्यवाद से पीड़ित ऐसे क्षेत्रों के सुपरविजन करना जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था कि ऐसे देश, बहुत से ऐसे देश हैं अभी जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आज़ादी नहीं मिली है, तो ऐसे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित क्षेत्रों की देखरेख करना, उनको न्याय दिलवाने के लिए ही न्यास परिषद की स्थापना की गई। उस समय ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की गई थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की गई जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित थे और जिनकी जनता को पास मानव अधिकार नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना इन्हीं क्षेत्रों की सुपरविजन, उनकी देखरेख और उन तक मानव अधिकारों
को पहचाने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए की गई। इन क्षेत्रों की जनता को सभी अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हों, इसके लिए इन्हें ट्रस्टीज को सौंप दिया गया और उन्हें कार्य दिया गया कि इन क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस रास्ते की तरफ बढ़ा जाए ताकि इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इसका मुख्य कार्य इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता की स्थापना में मदद करना था। 31 अक्टूबर 1994 को अंतिम न्यास क्षेत्र पलाऊ को स्वतंत्र करा दिया गया। ठीक है, न्यास परिषद की हेल्प से, न्यास परिषद के कार्यों की वजह से आखिरी न्यास क्षेत्र बचा था पलाऊ, जिसको 31 अक्टूबर 1994 को स्वतंत्र करा दिया गया। और उसके बाद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां जो उपनिवेशवाद से पीड़ित हो। इस कारण अब न्यास परिषद का कार्य खत्म हो गया था और इसके साथ ही 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद को भी निलंबित या सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इसे अभी भी ख़त्म नहीं किया गया, अभी तक इसे बंद नहीं किया गया था, न्यास परिषद को ख़त्म नहीं किया गया था, न्यास परिषद को अभी समाप्त नहीं किया गया, सिर्फ इसे निलंबित किया गया है ताकि अगर भविष्य में कभी आवश्यकता हो तो फिर से ये अपना कार्य कर सके। ठीक है, तो ये थी न्यास परिषद। उसके आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर विचार करेंगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम ICJ भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। यह सिर्फ कानूनी विषयों पर विचार करती है, राजनीतिक विवादों से इसका कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। इसका कार्यक्षेत्र केवल कानूनी विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी अंग या सदस्य कानूनी विषयों पर इससे सलाह ले सकता है। इसमें केवल एक खास बात यह है कि केवल सदस्य देश ही अपना विवाद रख सकते हैं, व्यक्तिगत झगड़े ICJ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश नहीं किए जा सकते। यानी अगर दो व्यक्तियों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो अपने मामले को इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर नहीं जा सकता, वो अपने देश के न्यायालय में ही जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल सदस्य देश ही अपने झगड़ों को ले जा सकते हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1946 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय USA के बाहर है, नहीं तो इसके पांचों जो अंग हैं उन सभी का मुख्यालय USA न्यूयॉर्क में है या वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ के जजों की संख्या 15 होती है। एक राष्ट्र से एक ही जज बन सकता है। जजों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष है। एक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसके सदस्य संख्या कितनी है, 15, और एक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष है। गणपूर्ति 9 है। गणपूर्ति यानी निर्णय प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 में से कम 9 जजों का उपस्थित होना जरूरी है। अगर 9 जज उपस्थित हैं तो निर्णय प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, निर्णय लिया जा सकता है, और निर्णय साधारण बहुमत से ही लिए जाते हैं। इसमें भी आधिकारिक भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है जो दोनों पक्षों के लिए मान्य है। जो भी पक्ष, जिन भी दो पक्षों ने इसमें अपने विचार रखा, अपने विवाद रखा है, तो जो भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा उसके निर्णय को फिर मानना दोनों पक्षों के लिए जरूरी है, बाध्यकारी है। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय UN की कानूनी संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, और ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका मुख्यालय USA के बाहर है और इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। हमारे दलवीर भंडारी इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6ठा मुख्य ऑर्गन सचिवालय है। सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सचिवालय होता है जो UN के महासचिव के द्वारा चलाया जाता है। इसका यानी सचिवालय का जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, महासचिव। UN के सभी सदस्य अंगों को आवश्यक जानकारी और सुविधा उपलब्ध कराना, उसमें जो कार्यवाही चल रही है उनका रिकॉर्ड रखना, अभिलेख रखना, ये सारे कार्य सचिवालय के होते हैं। ठीक है,
तो ये यानी क्या, इसका एक महत्वपूर्ण काम क्या है कि सभी अंगों के बीच में तालमेल बनाए रखता है, उनमें सामंजस्य बनाए रखता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन दोबारा भी ये चुने जा सकते हैं, मतलब 2 कार्यकाल अपने ये पूरे, एक ही व्यक्ति महासचिव के रूप में अपने 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। महासचिव, क्योंकि पूरे सचिवालय का भी महासचिव होता है, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सचिवालय होता है, और इसके सभी अंगों में तालमेल बनाए रखना, उनके रिकॉर्ड्स रखना, उनको आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना सचिवालय का, महासचिव का ही काम होता है। तो इसके लिए इसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। इस क्षेत्र में महासचिव पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों को खुद चुन सकता है, अपने सचिवालय का हिस्सा बना सकता है। महासचिव की शक्तियाँ किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह भी दे सकता है, समस्या को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका यूएन का प्रधान प्रवक्ता या प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पद से जुड़े प्रभाव का प्रयोग करके सदस्य राष्ट्रों को सलाह भी दे सकता है, उनके विवादों को निपटारा भी कर सकता है। इसकी एक एक बात का काफ़ी वजन होता है, जिसको सभी ध्यान से सुनते भी हैं और अमल में भी लाते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले मामलों पर महासचिव चाहे तो सुरक्षा परिषद का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा महासभा जो वार्षिक बजट में को अनुमोदित करती है, वो महासभा में पेश भी महासचिव के द्वारा ही किया जाता है, यानी महासभा में महासचिव ही है जो इसको बजट को रखेगा और फिर महासभा जो है उसको अनुमोदित करती है। इसीलिए इसे यूएन का प्रधान प्रवक्ता और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है जो बाकी के सभी ऑर्गन्स के बीच तालमेल बनाकर रखता है, उनमें सामंजस्य बनाता है, उनको सभी जानकारी देता है, उनके सभी रिकॉर्ड्स को रखता है। अभी तक हमारे 9 महासचिव बन चुके हैं, ये इसकी पूरी टेबल है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले थे ट्रिग्वेली, जो कि नॉर्वे के थे, और इनका कार्यकाल रहा 1946 से 1952 तक। दूसरे महासचिव थे डेक हैमरशोल्ड, जो स्वीडन से थे, और इनका कार्यकाल था 1953 से 1961। तीसरे महासचिव यूथांट, जो कि बर्मा से थे, और इनका कार्यकाल था 1961 से 1971। फोर्थ कुर्त वाल्डहिम, ऑस्ट्रिया देश से रिलेटेड, इनका कार्यकाल 1972 से 1981 तक रहा। फिफ्थ महासचिव हमारे रहे हैं जेविर पेरेस द कुइयार, जो कि पेरू के थे, और इनका कार्यकाल 1982 से 1991 तक रहा। छठे महासचिव हमारे बने बुतरस घाली, जो कि मिश्र के थे, और इनका कार्यकाल 1992 से 96 तक रहा, यानी ये केवल एक कार्यकाल के लिए ही बने थे। सातवें महासचिव कोफी अन्नान, जो कि घाना के थे, और इनका कार्यकाल, ये भी 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे करे, 97 से 2006 तक रहे। आठवें हमारे महासचिव थे बॉन की मून, जो कि साउथ कोरिया के थे, और इनके भी 2 कार्यकाल रहे, 2007 से 2016 तक। वर्तमान में हमारे यूएन महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये 2017 में बने और अब तक अपने पद पर बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी महासचिव हैं ये 1 जनवरी को अपना कार्यकाल ग्रहण करते हैं और 31 दिसंबर तक, मतलब जिस जो भी कार्यकाल खत्म है 31 दिसंबर तक चलता है। जैसे कि बॉन की मून ने 1 जनवरी 2007 को पद ग्रहण किया और वो 31 दिसंबर 2016 को पदमुक्त हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सचिवालय और उसका महासचिव जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन भी है और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी भी है। इस तरह हमारे इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 6 अंग के बारे में हमने पढ़ा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और नोट करके रखिए।